वाला, दूध ले लो, दूध ले लो। आई भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। नमस्कार। ए सुनो। हाँ जी। आज नीट का रिजल्ट आने वाला है, खीर बना लो। पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद ही खीर बनेगी। क्या है, तुमको अपनी लड़की भरोसा नहीं है? बेटी पे भरोसा और इसकी मेहनत और काबिलियत पे भरोसा है, लेकिन इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है। क्या पता रिजल्ट आने से पहले ही धांधली हो जाए। बिट्टी, ए बिट्टी, 10 बज रहा है, तुम अभी तक सो रही हो। बिट्टी अभी सोने दो ना मम्मी। ऐसे बनोगी तुम डॉक्टर, ऐसे करोगी तुम मरीजों का इलाज। अरे सोने दो ना उसको, जब नींद पूरी हो जाएगी खुद ही उठ जाएगी। हाँ दोपहर होने वाली है और अभी तक ये लड़की घोड़े बेच के सो रही है। वैसे भी बेचारी जब डॉक्टर बन जाएगी तो कहाँ सोने को मिलेगा उसको। आप ही ने तो बिगाड़ रखा है उसको। हाँ हम ही ने तो बिगाड़ रखा है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। नींद पूरी हो गई बेटा? नहीं मम्मी ने मुझे सोने ही नहीं दिया। अरे वो जब से सुबह से उठती है ना बस पक 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 लगा रहती है। सो जा मेरे बच्चे। अरे हाँ वो तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला है। जरा देखो बेटा कितने बजे आएगा। अभी टाइम है। अरे बात सही है बेटा, मगर लेकिन देखो थोड़ा कितने बजे तक आएगा। अच्छा ठीक है, पहले मैं ब्रश करके आती हूँ फिर रिजल्ट देखेंगे। हाँ ठीक है, हो आओ। पानी ले आओ, घंटा भर लगता है खाली जलस पानी गर्म करने में। पानी तुमसे गर्म करने के लिए बोले थे कि खौलाने के लिए बोले थे? क्या हुआ इतना पानी गर्म किया जाता है? थोड़ा सा आप ठंडा पानी मिला लेते। ज्यादा दिमाग खराब है, उनसे जमा लड़ाई हो। हमसे जमान लड़ रही हो? इतनी तुम्हारा औकात हो के? क्या लगा रखा है? इनसे पूछो ना क्या लगा रखा है। हम इनसे नहीं तुमसे पूछेंगे क्या लगा रखा है। इनसे हम बोले कि पानी गर्म करके लाओ तो खौला पानी लाई जानबूझ के ताकि हमारा हाथ चल जाए। पानी मिला लिए होते फल तुम उसको क्यों मार रहे हो? तुम्हारे इन हरकतों से तीन तीन बहुएं छोड़ के चली गई और ये भी चली जाएगी। हाँ तो चली जाए, नहीं जरूरत हमको ऐसी औरत की। नहीं है जरूरत तो घर से निकल जाओ। हाँ तो रहो तुम लोग अकेले, हम जा रहे हैं। हाँ तो जाओ। हाँ जा रहे हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक रहो, कमाओ धमाओ पैसा दियो कौड़ी दियो, ऊपर से हम इनसे जवान लड़ा रही। बिटिया तुम अपने घर चली जाओ, मैके ये सुधरने वाला नहीं है। नहीं रात को आएगा दारू पी के फिर लड़ाई करेगा। यार जल्दी खीर बनाओ, क्या धीरे धीरे काम कर रही हो? मेरे हाथ में कोई मशीन नहीं लगी है, और अगर ज्यादा जल्दी है आप तो आप खुद बना लीजिए। हाँ लाओ मैं बना लूंगा। हाँ ये लीजिए। बेटी जब मेरी डॉक्टर बन जाएगी ना, जब डिग्री लेने जाएगी मंच पे, तो खाली हमारा ही नाम लेगी। हाँ ठीक है। बेटी
इस चिचड़ी को क्रेडिट मत देना बिल्कुल भी। क्यों पापा, जितना योगदान आपका है उतने ही तो मेरी मम्मा का भी है, तो मैं तो दोनों को ही दूंगी क्रेडिट। देखती रहते हो हमेशा, जब देखो तब मूड खराब किया करती है। पर आप बड़ी अच्छी बात करते हैं ना। क्यों? ही कर रही हो। कार्टून पे नहीं हो रहा है। अगर रोज काम करते ना तो काम आदत पड़ जाती, और कर लेते रोज काम अपना जब करना होता। कल से करना ठीक है। क्या हो बेटा, टाइमिंग नहीं बता रहा है क्या? क्या हुआ? मम्मा खीर रहने दीजिए, मत बनाइए। क्या हुआ बेटी? बेटा क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ क्या? ये पापा मेरी नेट क्लियर हो गई। और मम्मा आपको पता है मेरी बहुत अच्छी नेट आई है। हाँ बहुत अच्छी। और पापा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। एक दिन तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। यार खीर बनाओ जाकर अब। हाँ मैं जाती हूँ। ये आज मेरा सपना पूरा हो गया पापा। आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुमने तो डराई दिया था यार हमको पापा। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए, क्यों फोन किया? अरे यार अब तो वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए यार। ताकि दारू पी के तुम हमें फिर मारो। यार अब कसम खा रहे दोबारा हाथ तुम पर नहीं उठाएंगे। कसम तो तुम बहुत बार खा चुके, तुम कुत्ते की दुम हो जो कभी सीधी नहीं होगी। हेलो। हाँ अजय। हाँ सर। थाने आ जाओ, तुमसे थोड़ा काम है। ठीक है सर, आ जाएंगे। अभी आ जाओगे ना? हाँ एक घंटे में आ जाएंगे। ठीक है आओ। ठीक है।
हेलो स्टूडेंट्स, हम सबके पास एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो हमें कुछ भी बनाने की काबिलियत रखता है। अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो शख्स हमें इंजीनियर बना सकता है। अगर हम ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वो शख्स हमें ऑफिसर बना सकता है। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो इकलौता ऐसा शख्स है जो हमें डॉक्टर बना सकता है। तो कोई बता सकता है वो शख्स कौन है? वो शख्स हम स्वयं हैं। हम खुद को जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं हार्ड वर्किंग, काइंड नेचर एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट मिस ममता जी को, जिन्होंने अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। सो इस साल का बेस्ट ट्रेनी डॉक्टर अवार्ड गोज टू मिस ममता जी को। और इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जी को। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छे बेटा, आपने बहुत मेहनत किया है, देखना आप एक दिन हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगी। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और अपने कॉलेज का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। आओ अजय, बैठो। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। कॉल किया था आपने? हमारी बीबी ने कंप्लेन किया है तुम्हारे खिलाफ। तुमने मारपीट किया है उसके साथ? अरे नहीं सर, मारपीट काहे करेंगे उसके साथ, हम तो बहुत प्यार करते हैं उससे। और सर देखिए, आज ही तो बात हुई उससे, ये देखिए। हाँ थोड़ा नाराज है, आप तो जानते ही हैं मियां बीबी में ये सब तो चलता ही रहता है। अच्छा, तो फिर कंप्लेन क्यों किया उसने? अरे सर वो पागल है, दूसरे की सिखाए पढ़ाई में चल रही है, और कोई बात थोड़ी है। चलो ठीक है, जो भी मामला है तुम्हारा जल्दी से सुलटाओ उसको और उसको घर लेके आओ और अच्छे से रहो उसके साथ, वरना अगर केस बन गया तो हम भी नहीं बचा पाएंगे तुमको। ठीक है सर, हमारी बात हुई है मंजिया से, दो चार दिन में आ जाएगी। ठीक है जाओ। ठीक है सर, नमस्ते। और सुनो। जी सर। तुम्हारे लिए एक नौकरी की बात किए हैं मेडिकल कॉलेज में, करोगे? जी सर बिल्कुल करेंगे। ठीक है जाओ, बात कर लो और कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। और सुनो, वहाँ शराब वराब नहीं चलेगी? अरे सर शराब हम वैसे भी छोड़ दिए सर। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि वो मेडिकल लाइन है। जाओ बात कर लो और कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। ठीक है, धन्यवाद सर। और सुनो, बीबी को जरूर ले आना। ठीक है सर, ले आएंगे, ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। ठीक है जाओ। चाय वाले भेजिन है पेड़ के नीचे, आपका नाम बताए नहीं, थोड़ा मिल ले। हम इतने समय बहुत परेशान हो, तीन दिन से नाच रहे हैं, अभी तक बेड नहीं मिला बच्चे का, मैं बहुत परेशान। आप एक नाम बताए, शायद आप मदद कर सका था मैं, जैसा हुआ। ठीक है ठीक है, हो जी परेशान हो, चांद चांद दो जो ऐसा कहीं होता है बंदे, हो जाएगा 2000 रुपये खर्चा है। लेकिन अरे साहब हम गरीब आदमी, अच्छा ना हुई पैसा है, आप है जो हारा कैसे कर पा। ठीक है लाओ, कितने ले लो साहब, इतने पैसा आप है जो सारा कैसे कर घर वाले। ठीक है सुनो, अच्छा बात है, आई लो एक हाफ बोतल शाम को हमको लग दे देना, इतना कर सकते नहीं कर सकते। मैं गुजर जाता हूँ क्या? चलो चलो बस ये समझ लो। ठीक चलो चलो निकलो।
कमिंग सर। अरे अजय तुम, दिन में तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी थी। अरे सर वो हमारे मामा का लड़का थोड़ा बीमार है तो उसको भर्ती कराना था। क्या यार अजय, तुम्हारे मामा का लड़का, बुआ का लड़का, जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी रहता है। अरे सर सब जानने वाले रहते हैं इसलिए चले आते हैं, अब किसको क्या मना करें। देख लीजिए थोड़ा एक बेड दिला दीजिए। अनुज कुमार तुम्हारे मामा का लड़का है ये? सगा मामा का लड़का है सर। ठीक है जाके आप डॉक्टर अनुराग से मिल लो, मैं फोन कर देता हूँ। शुक्रिया सर। अनुराग जी सर। वो अजय आ रहा है फाइल लेकर। जी सर किस लिए आ रहा है? बेड दिला दीजिए सर। बेड मिलना तो मुश्किल है। अरे अपना ही बच्चा है, करवा दीजिए। अरे पापा अभी तक आप सोए नहीं? अरे वो बेटा थोड़ा काम कर रहे थे। मम्मी कहाँ हैं? बहुत लेट कर देती हो तुम। पापा ड्यूटी। मम्मी तुम्हारी बर्तन मांज रही होगी, खड़बड़ खड़बड़ लगाए होगी। ए सुनीता बैठो बेटा, हम बुला रहे हैं। मम्मा खाना ले आइए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ बच्चा थक गया, कुछ नहीं बस वही हिसाब किताब का। अच्छा ये बताओ वहाँ का स्टाफ कैसा है? ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाया करो, मुझे चिंता लगी रहती है। पर ड्यूटी। हाँ वो बात सही है पर यार चिंता लगी रहती है। सुनीता क्यों आप इतना गल्ला फाड़ रहे हैं? बेटी आती नहीं, आप बस एकदम एफएम रेडियो की तरह बजने लगते हैं। क्या बजने बेटी लगते तुम खाना खाओ। मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, ये आवाज दे रही तुमको सुनाई पड़ रहा है कुछ? मैं काम कर रही थी, बैठी नहीं थी वहाँ पर। बैठी थी कौन सा काम कर रही थी वहाँ पर? बर्तन धो रही थी। बर्तन धो रही थी, जब देखो तो वहाँ बर्तन ही धोया करती है। नहीं नहीं नहीं, आपने तो नौकर लगा रखे हैं, सुबह से लेके शाम तक जितने काम होते हैं सब नौकर ही तो करके जाते हैं। मैं तो कोई काम करती ही नहीं हूँ, आपके जैसे बैठी रहती हूँ। जैसे आप डायरी और कॉपी पेन ले लो बस, लगो गोद में पूरा, यही कर रहे हो ना सुबह से? दिमाग में सर में दिमाग होना चाहिए, समझी? गोदने के लिए, लिखने के लिए। और आपके दिमाग कहाँ है? घुटनों में। बस सही कहा तुमने, इसीलिए अकड़ी हुई रोटी लेके आई हो। ये अकड़ी हुई नहीं है, अभी मैं बना। घी कहाँ रहा इसमें? घी मैंने लगाई। काहे नहीं लगाई? इतनी रात मेहनत करके वहाँ से आ रही बेचारी है, तुमको चिंता है थोड़ी सी? नहीं हमें चिंता नहीं है, आपको है? आप जाइए रोटी उठा कर लेके जाइए और घी लगा कर लाइए। तो, अभी तो तुम्हारे भाई आ जाएंगे सौरभ, जैसे आएंगे नहीं वैसे बस बढ़िया सलाद भी कट जाएगा, घी भी लग जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाता अच्छे से। और आपकी बहनें आती है तो आप क्या करते हैं? हाँ क्या करते बताओ? बहन ये ले लो, बहन वो ले लो। चुप हो जाइए आप दोनों, चुप हो जाइए। इसको बोलो चुप होने के लिए। आप चुप हो जाओ। मम्मा आप चुप हो जाओ, खाना खा ले। हाँ जब बेटा, देखो तो हमेशा घोड़े पे सवार रहती है। आप चुप रहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। क्या बात नहीं करनी है? नहीं मुझे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी। अरे पापा आप चुप हो जाओ। हाँ हमेशा मैं तो चुप होता हूँ। हाँ फिर भी आप चुप हो जाओ। दिन भर घर का काम करो, उसके बाद भी मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, सब कुछ यही करते हैं। तो तुम इस रोटी में घी नहीं लगा पाई थी? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बस चुपचाप बैठे रहिए। बेटा तुम खाना खाओ, इस पागल के चक्कर मत पड़ो, ठीक है? अच्छा मैं पागल हूँ? और क्या हो? और आप बहुत दिमागदार हैं, सारा दिमाग तो भगवान ने आपको दिया। नहीं तुम्हारे घुटने में, तुमको नहीं पता? और आपका दिमाग तुम्हारी खोपड़ी के अंदर। सर बेटा तुम खाना खाओ, ठीक है? आप चुप करिए, खाना खाओ। आप दोनों शांत हो जाइए। देखा आपने मम्मा को गुस्सा कर दिया। हाँ हमें तो गुस्सा करते हैं बेटा। आप जाइए पहले मनाइए उन्हें। पापा
चाहिए। बेटा आप खाना हाँ, खाओ, उसे खा मना लेंगे। पहले आप जाओ जाओ। क्या हो? हटिए। कहाँ हटे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हेलो। हाँ मैम। हाँ हेलो। अभी आप कहाँ हैं? घर पे हूँ। मैम आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ एक पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। अच्छा ठीक है, तुम रुको मैं आ रही हूँ। अच्छा मैम आप कितनी देर में आ जाएंगी? अब मैं निकलूंगी तो मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ओके मैम आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जी जी ठीक है मैं आती हूँ। बेटा क्या हुआ? पापा वो हॉस्पिटल में ना एक पेशेंट बहुत सीरियस है, तो इसीलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अरे इमरजेंसी है तो हॉस्पिटल में और लोग भी तो होंगे ना बेटा। पापा आज स्टाफ छुट्टी पर है और मेरा जाना जरूरी है। पर बेटा खाना तो खा लो ना। पापा खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी की जिंदगी बचाना, आपने मुझे सिखाया है। तो मुझे लेट हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ। ठीक है। बस बेटी तू 2 मिनट रुक, मैं टिफिन लेकर आती हूँ। मम्मा आप रहने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी, और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। बेटा तू दुनिया के लिए डॉक्टर होगी, लेकिन तेरे लिए मैं तेरी डॉक्टर हूँ। तू सबका ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। ठीक है तू चल, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं तब तक गाड़ी निकाल रही हूँ, आप जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, बस तू चल। सुनीता बेटा वहां पहुंच के हमको फोन कर देना, ठीक है? जी पापा। और आराम से जाना। जी माँ। ठीक है पापा, बाय मम्मी। बाय पापा। बाय बाय, अपना ध्यान रखना बेटा। क्या हुआ? हमारे झगड़े की वजह से ना हमारी बेटी ने खाना भी नहीं खाया। हाँ यार बात तो सही है, लेकिन हम झगड़ा नहीं करते ना, तो उतने समय में खाना खा सकती थी। तुम परेशान मत हो, खाना तो पैक कर दिया गया है ना, खा लेगी अपना। और हाँ थोड़ी देर बाद फोन करके पूछ लेना खाना खाया कि नहीं। ठीक है। यहाँ सुनो, आज के बाद हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। सॉरी सच में नहीं करेंगे? सच में। साहब बीड़ी पी ली। यार सिगरेट पियो ना। नहीं नहीं सिगरेट नहीं सर, बीड़ी पियोगे? हमका बीड़ी ही ठीक। गजब आदमी हो। अच्छा ये बताओ इंसान ग्राम का नाम सुना है? नहीं है? अभी तुमको बहुत मस्त चीज दिखाते हैं। ये या तो साहेब बिलो आए। बिलो नहीं है, वो अलग होती है, उसमें पूरा होता है, इसमें हाफ होता है। ये सब अपने ही आसपास की लड़कियां हैं। अच्छा साहब। इनको ऐसे अगर देख लो बवाल कर देंगे। अरे तुरंत ऐसा। लेकिन अब इस पे देखो कैसा मटका रही, देखो। इसको देखो। और या दादा, तुम लोग अपने जमाने में मुजरा देखने जाते थे कि नहीं जाते थे? हाँ साहब। उसमें लगता होगा पैसा। पैसा तो परत रहा साहब। ये एक नया मुजरे का सिस्टम है, इस पे चाहे जितना देखो कोई पैसा नहीं। साहब ये जो सब इनका कह के कहाँ मिले?
इन्हें मिलता है ठेंगा, हम इन्हें ठेंगा दिखाते हैं तो बदले में ये हमें सीना दिखाती हैं। ये ठेंगा देख के खुश होती हैं और हम लोग सीना। इस भौजी को देखो जरा। और या दादा लो देखो। सर मे आई कम इन? यस कम इन। हाँ ममता बताइए। सर मेरे हाथ पैर और सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ? ठीक है जाओ। सर मैं सेमिनार हॉल में आराम कर रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लो। ओके थैंक यू सर।